अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम राबील बेग है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा आज का टॉपिक है थिन एंडोमेट्रियम। आज हम डिस्कस करेंगे कि थिन एंडोमेट्रियम की कॉजेज क्या होती हैं, थिन एंडोमेट्रियम का सिम्टम क्या होता है, थिन एंडोमेट्रियम की डायग्नोसिस क्या है एंड थिन एंडोमेट्रियम का ट्रीटमेंट क्या है। सो गाइस, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच सकें। सो गाइस, टॉपिक की तरफ चलते हैं। थिन एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम बेसिकली यूट्रस की इनर लेयर को बोला जाता है और ये बहुत ज़रूरी होती है प्रेगनेंसी के लिए। इसके कुछ लेवल्स होते हैं, अगर तो 8 मिलीमीटर या इससे ज़्यादा एंडोमेट्रियम है तो इट्स मीन के आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी जो है वो ग्रो अप कर सकते हैं। पर अगर इसके बरक्स हम लोग देखें कि थिन एंडोमेट्रियम जिसकी जिसका लेवल जो है वो 7 mm या 7 mm से कम है, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप प्रेगनेंसी अचीव कर भी लेते हैं तो उसके नतीजे में यूट्रस जो होती है उसकी लेयर्स इतनी मतलब अच्छी नहीं होती कि वो प्रेगनेंसी को आगे मूव ऑन करवा सके, और उसके नतीजे में क्या होता है कि यूपीटी जो है वो पॉजिटिव होता है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसको आम अल्फाज में बात करें तो अबॉर्शन हो जाता है। इसलिए गाइस, एंडोमेट्रियम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक हेल्दी प्रेगनेंसी को मूव ऑन करवाने के लिए। अब बात करते हैं कि एंडोमेट्रियम जो है वो थिन क्यों होती है, तो उसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। सबसे पहला कि एस्ट्रोजन लेवल का जो है वो कम होना। अब अगर हम एक नॉर्मल फीमेल की बात करें तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो तकरीबन 28 टू 30 डेज़ का होता है। अब फर्स्ट हाफ में क्या होता है कि एस्ट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया होता है, और एस्ट्रोजन का जो वर्कअप है वो बेसिकली एंडोमेट्रियम की जो है वो प्रॉपर ग्रोथ को करना है, ग्रो और उसको प्रिपेयर करना है। अब हम बिफ़ोर ओवुलेशन अगर बात करें तो बिफ़ोर ओवुलेशन मिड साइकिल के अंदर एक फीमेल जो है वो एक एग प्रोड्यूस करती है, और इस दौरान अगर उस एग की फर्टिलाइजेशन स्पर्म के साथ हो जाती है तो प्रेगनेंसी अचीव हो सकती है। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी अचीव होने के। पर अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है कि नेक्स्ट 14 डेज़ के अंदर एंडोमेट्रियम जो है वो बॉडी से शट ऑफ होती है, मतलब टूट के निकलना शुरू हो जाती है फीमेल बॉडी से इन शेप ऑफ ब्लीडिंग, जिसे हम पीरियड्स कहते हैं, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं या जिसे हम मेंसेस कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें अब मसला क्या होता है कि किस वजह से जो है ये प्रॉब्लम आती है। तो डॉक्टर के पास जब पेशेंट रिपोर्ट होता है तो उसका पहला कॉज होता है कि मुझे जो है वो पीरियड्स इरेगुलेटर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, या सेकंड कॉज होता है कि मुझे जो पीरियड्स हैं वो आते तो हैं पर उसकी मकदार जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, या मतलब बिल्कुल जस्ट स्पॉटिंग होती है, या तीसरा प्रॉब्लम आता है हमारे पास जो कि मेन प्रॉब्लम है कि इनफर्टिलिटी के साथ वो पेशेंट मूव ऑन कर रहा होता है, मतलब कि वो प्रेगनेंसी तो अचीव कर लेता है पर प्रेगनेंसी अचीव करते हैं जिससे उसका बीटा एसजी पॉजिटिव होता है तो कुछ ही दिनों बाद जो है उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, लाइक उसको जो है वो अबॉर्शन की साइड पर पेशेंट जो है वो मूव ऑन कर जाता है। अब उसकी वजह ये होती है कि एंडोमेट्रियम जो है वो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है उससे एम्ब्रियो जो है वो सही से चिपक नहीं सकता, और उसकी इतनी कुव्वत नहीं होती कि वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी को आगे से मूव ऑन करवा सके। अब बात करते हैं कि क्या थिन एंडोमेट्रियम के कोई साइन या सिम्बल्स होते हैं, तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कुछ पेशेंट के अंदर किसी किस्म का कोई इशू नज़र नहीं आ रहा होता, पर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो कि ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रेगुलर नहीं है, या जिस टाइम हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है, या थर्ड नंबर पर ऐसा पेशेंट आता है कि जो कि ये कंप्लेन करता है कि हम बहुत देर से जो है वो प्रेगनेंसी की ट्राई कर रहे हैं पर प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो सकती, लाइक वो इनफर्टिलिटी के साथ कॉज करता है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस क्या है। तो इसकी डायग्नोसिस के अंदर फर्स्ट जो है वो आता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड पे देखा जाता है कि एंडोमेट्रियम थिकनेस क्या है, पर यहाँ पे आप लोगों ने एक बात जहन में रखनी है कि अगर तो साइकिल मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का पाँचवा या छठा दिन चल रहा है और एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है वो आ रही है फॉर एग्जाम्पल 5 mm मतलब 5 mm, तो इट्स मीन कि ये नॉर्मल है। पर अगर इसके बरक्स हम लोग देखें कि उसी फीमेल का अगर मिड ऑफ साइकिल चल रहा है और उसकी जो एंडोमेट्रियल थिकनेस है वो तब भी अगर 5 mm आ रही है तो वो एबनॉर्मल जो है केस जो है वो कॉज करता है। तो अगर ये डायग्नोसिस आपके हो गई है बाय अल्ट्रासाउंड के एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है वो इफेक्टेड है या उसकी एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है वो बन नहीं रही, तो उसकी वजूहात देखी जाती हैं। सबसे पहले उसमें ये देखा जाता है कि क्या एस्ट्रोजन लेवल जो है वो बन रहा है,
और सेकंड ये देखा जाता है कि अगर एस्ट्रोजन लेवल जो है वो बन रहा है तो क्या एंडोमेट्रियल कैविटी में तो कोई इशू नहीं आ रहा। अब बात करते हैं कि एंडोमेट्रियल कैविटी क्या होती है। एंडोमेट्रियल कैविटी बेसिकली यूट्रस के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो उस लेवल पे नहीं हो पा रही होती, जिसकी वजह से जो एंडोमेट्रियल ग्रोथ है वो नहीं हो सकती। सेकंड इशू ये आता है कि कोई भी इन्फेक्शन जो है वो अगर एंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर हो गया है, फॉर एग्जांपल PIT जिसे कहते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेटरी डिजीज़, तो उसकी वजह से भी जो है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती एंडोमेट्रियल की। थर्ड आता है कि ये और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज भी है कि जिसके अंदर ये देखा जाता है कि ब्लड की जो वेसल्स हैं उनके एंड जो हैं वो ब्लॉक तो नहीं हो गए। अगर वो ब्लड की वेसल्स के एंड जो हैं ब्लॉक हो जाएं तो एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है वो बिल्कुल ही नहीं बन सकती। उसके बाद फोर्थ वन पे ये देखा जाता है कि पेशेंट की कोई ऐसी हिस्ट्री तो नहीं है जिसमें ख़ास तौर पर ये देखा जाता है कि कहीं पहले कोई DNC हुई हो, मतलब कोई अबॉर्शन हुआ हो और उसकी वजह से जो है वो यूट्रस को साफ किया गया हो और जो है कोई इस तरह का मामला हुआ हो जिसकी वजह से जो है वो एंडोमेट्रियल ग्रो नहीं हो सकती। उसके बाद फिफ्थ वन के ऊपर सबसे मेन एंड मेजर कॉज आता है कि जो कि बाज़ार में दवाइयाँ मिलती हैं प्रेगनेंसी करवाने के नाम के ऊपर, ठीक है, और अक्सर खातून जो हैं वो अपने साइकिल के मतलब अपने मेंसेस के दौरान सेकेंड डे से 7 डे तक उनको यूज़ करती हैं, जिसमें एक दवाई है उसका ख़ास तौर पर जिक्र किया जाता है जिसको कहते हैं क्लोमिफेन साइट्रेट। और क्लोमिफेन साइट्रेट जो है वो बेसिकली होता क्या है कि वो एंटी एस्ट्रोजन होता है। अब वो एंटी एस्ट्रोजन जब दिया जाता है तो वो एंटी एस्ट्रोजेनिक जो है वो इफ़ेक्ट देता है, उसकी वजह से जो है वो एंडोमेट्रियल जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा बैडली इफ़ेक्ट करती है। और अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट पर। ट्रीटमेंट में बेसिकली आप अपनी हेल्दी लाइफ को जो है वो मेंटेन करें, एक अच्छे गुड क्वालिटी का वेट जो है वो आप मेंटेन करें, और उसके अलावा ऐसे फूड को प्रेफर करें कि जो कि ब्लड सर्कुलेशन को मज़ीद बढ़ाने के अंदर आपको हेल्पफुल कर सके। और अगर हम लोग सप्लीमेंटेशन पे बात करें तो सप्लीमेंटेशन के अंदर इसमें अगर तो एस्ट्रोजन कम है तो मार्केट में बहुत से ऐसे ब्रांड नेम के साथ मेडिसिन अवेलेबल है जो कि एस्ट्रोजन लेवल को इंक्रीज़ करने में हेल्पफुल होती हैं। और अगर आपकी ब्लड की सर्कुलेशन कम है तो उसके लिए आप अमाइनो एसिड्स यूज़ करें। अमाइनो एसिड बेसिकली रिप्रोडक्टिव ट्रैक की साइड पे ब्लड की वेसल्स को ओपन करता है। सो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।